नमस्ते जी, एक प्रश्न आया है कि प्राणायाम करने से बुद्धि कैसे बढ़ती है। तो इसका उत्तर है, सूत्र में आता है जी, योग दर्शन में, ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, कि प्राणायाम करने से जो बुद्धि को ढकने वाला या जो बुद्धि का आवरण है वो नष्ट होता है, ज्ञान का आवरण नष्ट होता है, अर्थात अज्ञान का नाश होता है, ज्ञान की वृद्धि होती है, और प्राणायाम करने से शरीर और नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। अब नाड़ियाँ शुद्ध हो गई तो शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, और शुद्ध रक्त जो है मस्तिष्क में जब विद्यमान है या हृदय में विद्यमान है, शुद्ध रक्त है तो शुद्ध रक्त का संचार सब शरीर में फैलेगा, ठीक है जी। तो मस्तिष्क में जब जाता है शुद्ध रक्त तो मस्तिष्क बढ़िया काम करे, अगर अशुद्ध रक्त जाएगा मस्तिष्क में तो मस्तिष्क ठीक से काम नहीं करेगा। तो प्राणायाम करने से रक्त शुद्ध हो जाता है और मस्तिष्क में भी बढ़िया शुद्ध रक्त पहुंचता है, इससे बुद्धि की क्वालिटी या उसका स्तर बढ़ जाता है। प्राणायाम करने से मन इंद्रियों पर नियंत्रण बढ़ जाता है, मन के विकार नष्ट होते हैं, इंद्रियाँ हैं उनके विकार नष्ट होते हैं, जो है ना एकाग्रता वो बढ़ जाती है, ग्रहण शक्ति बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है प्राणायाम करने से, सत्वगुण बढ़ जाता है, तमोगुण रजोगुण दब जाता है, तो इसलिए बुद्धि बढ़ती है। और प्राणायाम करने से जो अशुभ कर्म है उसके संस्कार भी खत्म होते हैं, पाप के संस्कार नष्ट होते हैं, व्यक्ति पुण्यात्मा बनता है, परोपकारी बनता है, ईश्वर भक्त बनता है, और प्राणायाम करते हुए ईश्वर की उपासना भी करता है, और ईश्वर की उपासना करेगा चाहे प्राणायाम से करे अथवा जप से करे या ध्यान से करे, जो भी ईश्वर की उपासना करेगा उसको ईश्वर से बुद्धि मिलेगी। तो प्राणायाम करते हुए हम खाली कोरा कोरा प्राणायाम करते नहीं हैं, प्राणायाम करते हुए ईश्वर का ध्यान भी करते हैं, उसके नाम का जप भी करते हैं, मंत्र जप करते हुए प्राणायाम करते हैं, तो ईश्वर की उपासना होती है और ईश्वर से ज्ञान मिलता है, ईश्वर से बुद्धि मिलती है। तो इस प्रकार से प्राणायाम करने से बुद्धि बढ़ती है और अज्ञान का विनाश होता है, अशुभ कर्म नष्ट होते हैं, जो बुराइयां हैं वो नष्ट होती हैं, और हर प्रकार से बुद्धि तीक्ष्ण होता है, पवित्र होता है, निर्मल होता है, और बुद्धि बढ़िया काम करता है। ओम शांति, ओम शांति।